रुद्रपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन की समस्या को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा यूनियन के लोगों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी से मुलाकात की और विस्तार पूर्वक समस्या को रखा। इस दौरान विकास शर्मा ने कहा कि इंदिरा चौक से लेकर सिडगुल तक सुबह से लेकर रात तक माल वाहनों की नो एंट्री लगी हुई है, जिसके चलते देश में सिडगुल आने जाने के लिए माल वाहन का कोई रास्ता नहीं है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। एसएसपी ने ट्रांसपोर्टरों को राहत दिलाने का आश्वासन दिया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। हमारी जब से सिडगुल आया, औद्योगिक नगरी के रूप में रुद्रपुर विकसित हुआ है, तो बहुत सारे उद्योग आए हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे ट्रांसपोर्टर भी यहाँ पर आए हैं। अब चूंकि यहाँ सिडगुल के अंदर कई उनके वेयर हाउस सिडगुल के आसपास हैं, कहीं लालपुर में है, कहीं जाफरपुर में वेयर हाउस हैं, तो वहाँ से दिन में इन ट्रांसपोर्टरों को अपना माल उन कंपनियों में पहुँचाना होता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम करना होता है। क्योंकि दिन में हमारे शहर में नो एंट्री रहती है और दिनेशपुर का रास्ता बहुत लंबा पड़ता है कहीं ना कहीं, और रास्ता भी ख़राब हो रहा है। इधर इनको किच्छा की तरफ से लालपुर से टोल भी लगता है, तो हमारे ट्रांसपोर्टरों की मांग थी कि हमें जो हमारी नो एंट्री है नैनीताल हाईवे बिंद्रा चौक से लेके हमारी नैनीताल रोड की जो नो एंट्री है, वो उसमें कम से कम दिन में एक घंटा हमें राहत मिल जाए। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रुद्रपुर वाला उनके जो है विभिन्न मांग, मतलब कुछ मांग है जो नो एंट्री को देकर और रोड की एक्सेस को लेकर, क्योंकि NH 74 में है जो जिसपे पूरा रुद्रपुर मुख्यालय के सभी स्थिर स्थित है, जिसमें हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है और आपका सारे इंस्टीट्यूशन से, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है, ऑफिस स्थित है, उन जगह पर जो सदियों से नो एंट्री चलता आ रहा है, उस नो एंट्री में रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। उस पर हमने कोई भी नकारात्मक भी नहीं, सकारात्मक भी, न्यूट्रल व्यू पॉइंट लेते हुए हमने इनकी एप्लीकेशन स्वीकार किया है। उसको ट्रैफिक व्यू पॉइंट पे फ्लो के ऊपर स्टडी करेंगे, ट्रैफिक स्टडी कैमरास के आधार पर हम स्टडी करके अगर वो फ्लो में कुछ बनता है तो हम दे सकते हैं, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे।